वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग जर्नी। आ गई हूँ मैं फिर से आपके लिए लेकर एक और रेसिपी। आज हम बनाएंगे मसाला भिंडी। बहुत ही टेस्टी सब्जी है ये और एक थोड़ी अलग सी रेसिपी है। आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ज्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं अपनी रेसिपी की ओर। सब्जी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है आधा किलो भिंडी। इन्हें मैंने कट कर लिया है, थोड़े बड़े बड़े पीसेस में इसको कट किया है मैंने। धो कट करने से पहले अच्छी तरह से धोकर और पोंछ लिया था और फिर उसके बाद इसे हमने कट किया है। उसके बाद मैंने चार टमाटर लिए जिनको मैंने प्योरी कर लिया है। दो मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया है और बहुत ज़्यादा फाइन चॉप नहीं किया इसे। दो बड़े चम्मच मैंने दही लिया है और इसे अच्छी तरह से चम्मच से फेंट लिया है। ये नॉर्मल दही है जो हम घर में यूज़ करते हैं खाना खाने के लिए। और उसके अलावा मैंने लिया है थोड़ा सा ये अदरक का टुकड़ा जिसको कि मैंने ग्रेट कर लिया था। 6-7 लहसुन की कलियाँ ली हैं जिन्हें मैंने बारीक कट कर लिया है। 4 छोटी साइज़ की हरी मिर्चें ली हैं, ये बहुत तीखी वाली हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने बारीक कट कर लिया है। उसके अलावा जो हमें सूखे मसाले चाहिए होंगे उसमें है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा, अजवाइन और नमक जो कि स्वाद के अनुसार आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सब्जी बनाना। हमने कढ़ाई को रख दिया है गैस पर और उसमें मैं 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड करूंगी। ऑयल आप अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं। ऑयल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें ये ऐड करेंगे जो हमने चॉप करके अनियन को रखा था। थोड़ा सा सौते करना है। एक दो मिनट तक हमारे को इसको ऑयल में सौते करना है, बस ये थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट होते हैं। देखिए ये हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो गई है। और अब हमें इसके साथ ही ऐड कर देना है जो हमने ये भिंडी को कट करके रखा हुआ था, इसको हमें इसके साथ में ही फ्राई करना है। गैस की जो फ्लेम है उसको मैंने मीडियम रखा हुआ है और ऐसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही ये दोनों चीज़ों को एक साथ फ्राई करना है जब तक प्याज थोड़ी सी लाइट ब्राउन कलर की नहीं हो जाती। तो हम इसे लगातार चलाते हुए ऐसे ही 5-7 मिनट का वक्त हमें लगेगा बस इसको फ्राई करेंगे। 5-7 मिनट का वक्त हो चुका है और आप देख सकते हैं कि हमारी जो ये भिंडी और प्याज है ये दोनों ही अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। ऐसे फ्राई करने से क्या होता है, इसमें जो भिंडी में एक स्टिकीनेस होती है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। अब आगे का प्रोसेस करने के लिए पहले हमें ये कढ़ाई खाली करनी पड़ेगी, तो मैं गैस को कर देती हूँ ऑफ और इसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ एक प्लेट में। हरी भिंडियों को हमने प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है और हमने फिर से गैस पर कढ़ाई को रख दिया है और कढ़ाई में हमें ऐड करना है फिर से 1 टेबलस्पून ऑयल। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 सी हींग, 1/2 सी हमारा हींग और जीरा, हींग जीरा और अजवाइन क्रैकल करने लगेगा हम उसी स्टेज पर ऐड कर देंगे ये हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्च को जो कट करके रखा हुआ था। इसको हल्का सा भूनेंगे। अदरक लहसुन के भूनते ही तुरंत हम इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर। सबसे पहले हमें इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है और
इसको थोड़ा सा चलाने के बाद हम इस स्टेज पर ऐड कर देंगे इसमें टमाटो प्यूरी। आप जब भी ऐसे अदरक लहसुन के अंदर लाल मिर्च को पहले डालेंगे तो आपको हमेशा याद रखना है कि गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो होना चाहिए, वरना तो मिर्च जलती है और उसकी धसक बहुत तेज उठती है। तो जैसे ही हमारे को लग रहा है हमारा थोड़ा सा टमाटर भूनने लगा है, अब हम इसमें बाकी के सारे मसाले भी ऐड कर देंगे। इसमें मैं 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर ऐड करेंगे। लाल मिर्च हम पहले ही डाल चुके हैं और अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे। अभी मैंने 1/2 स्पून ऐड किया है, तो ये आप अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हैं। और हमें इसे थोड़ा सा भूनना है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम किया हुआ है इस वक्त, और इस मसाले को हमें तब तक भूनना है जब तक कि ऑयल इसमें से सेपरेट नहीं हो जाता। और इसी के साथ हमारे को भूनते वक्त इसमें ऐड कर देना है हमने जो ये दही लिया था। दही को पहले हमने अच्छे से फेंट लिया है ताकि इसकी कोई भी गुठलियाँ ना नजर आए, तो हम इसको इस स्टेज पर इस मसाले में ऐड कर देंगे। और मसाले के साथ में हमें भूनना है इसे तब तक जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। दो 3 मिनट का टाइम लगेगा बस इसे मीडियम फ्लेम पर हमारे को इसे पकाना है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो ऑयल है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है, और अब हमारे को इस स्टेज पर इसमें ऐड कर देनी है हमारी जो भिंडी और प्याज हमने फ्राई करके रखी हुई थी वो, और इसे मसाले में अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है। भिंडी को हमने अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लिया है। अब क्योंकि हमने पहले से ही भिंडी को थोड़ा सा फ्राई किया हुआ था तो इसे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, पर फिर भी क्योंकि मसाले का टेस्ट इसमें बहुत अच्छी तरह से आ जाए तो हम गैस को बिल्कुल सिम करके और इसको 5 मिनट तक ढककर पकाएंगे जब तक कि भिंडी गल नहीं जाए। तो हम इसे ढक देते हैं। तो लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम फिर खोलकर देख लेते हैं एक बार अपनी सब्जी को। हमने 10 मिनट तक जो कंटिन्यूसली इसको पकाया वो बीच बीच में खोलकर इसको चेक करते रहे हैं कि हमारी जो भिंडी है वो गली है या नहीं गली है। तो हमारी जो भिंडी है अब इस वक्त प्रॉपर कुक हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और ये हमारी सब्जी जो है बनकर बिल्कुल तैयार है। इस वक्त मैं कर दूंगी गैस बंद, और लास्ट में हमारे को इसमें ऐड करना है थोड़ा सा गर्म मसाला एक अच्छी सी खुशबू देने के लिए। इसमें मैंने कोई भी आमचूर या नींबू का रस ऐड नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें टमाटर और दही का इस्तेमाल किया था। अगर हम बहुत सारी चीज़ों के टेस्ट एक साथ मिक्स कर देते हैं तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाता है और आपको किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आ पाता। तो कोशिश कीजिए कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करके ओरिजिनली जो सब्जी की खूबसूरती उसका टेस्ट उसका खुशबू है वो आपको पता लगे कि आप क्या खा रहे हो। तो इतने टेस्ट उसमें मिक्स ना करते हुए हमने इसी चीज़ को ध्यान में रखकर इसमें आमचूर और नींबू को ऐड नहीं किया है। हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है, और आई होप आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अब बस मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ। आपको मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर पसंद आई है ये रेसिपी तो लाइक भी बनता ही है। तो मिलती हूँ अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।